तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्बासी ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली के एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं, और ये दिल्ली के है इंडिया गेट। आपको सामने जो है वो नज़र आ रहा है, वो सामने इंडिया गेट है, और इसी के सर्कल में जो है यहीं पर आपको नज़र आ जाएगा ये चिल्ड्रन पार्क। आपको यहाँ दिख रहा होंगे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अभी हम यहीं पर ही चल रहे हैं और आपको पूरा चिल्ड्रन पार्क घुमाते हैं। तो ये इसका एंट्री गेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों की यहाँ पे क्यू लगाई हुई है, और हम एंटर हो रहे हैं चिल्ड्रन पार्क में, जो इंडिया गेट की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और स्पेशली यहाँ पे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा झूले वगैरह हैं, आपको दिख रहे होंगे। मैं आगे चलूँगा फिर आपको सारी चीज़ और सारे झूले दिखाऊँगा। तो देखिए हमारा ये फर्स्ट झूला है, बहुत सारे यहाँ पर झूले हैं बच्चों के एंजॉय करने के लिए, हर तरीके से एंजॉय करते हैं यहाँ पर बच्चे। ये वाला जो झूला है उसके अंदर जाकर और वो सर्कल चलाते हैं, शायद अभी ये जो है वो ख़राब है जिसकी वजह से चल नहीं रहा है, काफ़ी टफ होता है। देखिए यहाँ पर कितने ये छोटे से बच्चे हैं, आशिर साहब और मायरा दोनों ही किस के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये देखिए ये खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद ही चढ़ूँ। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आ गए हैं जिससे कि जाम लग गया है, झूले के अंदर भी जाम लग गया है। ये देखिए ये जो आपको झूला दिखाया था ना, तो इसका नाम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हैमस्टर व्हील, जो कि अभी ख़राब हुआ हुआ है। तो हम चलते हैं आगे झूलों में। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें हैं, जन सुविधाएँ हैं, संगीत फव्वारा है, पुस्तकालय, सभी चीज़ें आपको इधर मिलेंगी। झूला एक यहाँ पर ये भी है। अब इधर से थोड़ा ही सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सारी ना आपको एक्सरसाइज वाली मशीन्स वगैरह मिल जाएंगी, तो जिससे कि बच्चे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है झूल रहे हैं, और यहाँ पे ही सीटिंग अरेंजमेंट कर रखी हुई है कि जो बैठना चाहे वो आराम से बैठ सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर चेयर्स वगैरह हैं, बेंच वगैरह हैं, सॉरी। तो अभी चलते हैं हम अगली झूलों की तरफ। इस स्लाइड से निकलते ही एक सामने ये झूला आ जाता है। गेट के साथ में ही जो है वो खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी हैं। और हम दूसरे वाले पार्क में आए तो यहाँ पर भी देखिए कि काफ़ी सारे झूले हैं, बच्चों से पूरा फुल हो रखा है ये, हर तरफ आपको बच्चे झूलते हुए मस्ती करते हुए नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क में आए बच्चों को लेकर, यहाँ का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप किसी झूले में जिस मर्जी झूले में जाएं, मगर इस चीज़ का ख्याल रखें कि देखिए ये जो स्लाइड है वो नीचे से टूटी हुई है, ज़्यादा खतरा बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं तो देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, स्कूल के जितने भी छोटे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ही मज़े कर रहे हैं। बट ये थोड़ा सारा ये देखिए कितना बड़ा टूटा हुआ है कि किसी के चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे यहाँ पर झूले हैं जो हिल रहे हैं, तो उस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखें, अपने बच्चों के साथ में ही रहें। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग झूला है, इसे भी मतलब पूरा राउंड लेना बहुत मुश्किल होता है हर किसी के लिए, तो जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं वो ये कर पाते हैं। यहाँ पर जो है सेक्शन वगैरह लिखे हुए हैं,
तो इन इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर फॉलो करें कि कौन से झूले में कितने से कितने साल के बच्चे बैठ सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज़ यहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते हैं, वो विसल कर देते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि ये झूला आपके लिए नहीं है। देखिए जहाँ देखेंगे वहाँ पे बच्चे आपको मतलब स्कूल के बच्चे मिल जाएंगे। यहाँ पे स्कूली बच्चे, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर आपको यहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो ये फेमस जगह है, इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के सर्कल में ही आता है। ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, ये देखिए बच्चों की स्लाइड जो है वो फुल हो रही है, फुल। किस जिस स्लाइड को देखेंगे आप वो फुल ही फुल नज़र आएगी। और बच्चों के लिए ये झूले हैं, मगर इनमें देखिए ये कुछ बड़े भी बैठ जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाए गए तो उसकी कैपेसिटी जो है वो उतनी है, बट कुछ लोग जो है वो इसमें ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं तो टूटने का ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। ये देखो एक ये भी बच्चे के लिए है, ये टायर बना हुआ है, इसके ऊपर बैठ के और झूलते हैं बच्चे। और मैं आपसे जिक्र कर रहा था टूटने का, तो ये भी देखिए ये वाली जो स्लाइड है वो भी आपको यहाँ से टूटी हुई मिलेगी। देखिए इस तरीके से जो है ये स्लाइड्स वगैरह टूटती हैं कि एक ही उस पर चार बच्चे चढ़ गए हैं, ये गलत है। ये बच्चे ये देखिए किस तरीके से कर रहे हैं बच्चे, ज़बरदस्ती। और यहाँ बच्चों में जो है वो लड़ाई हो रही है, ये बच्चा जो है उसे खींच रहा है कि नीचे उतरो, और ये देखिए इधर से दूसरी वाली, ये दोनों आपस में टकरा भी सकती हैं। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो चढ़ रहे हैं, ये देखिए। और एक ये भी है बहुत अच्छा, ये देखिए बच्चा एफर्ट कर रहा है यहाँ पे फुल। तो जगह जगह पर यहाँ पर टेबल्स वगैरह हैं बैठने की, और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि बच्चों के उसमें बड़े भी बैठ जाते हैं, तो देखिए कितने ये बड़े हैं। इन्हें खुद ही को सोचना चाहिए कि बच्चों के झूले में ना बैठें, मगर यहाँ के बड़े भी बच्चे बन जाते हैं और उनके साथ में झूलने लग जाते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर ये गार्ड आ गए और यहाँ बड़े झूल रहे हैं, तो उन्हें बोल रहे हैं नहीं उतरिए आप यहाँ से, और इन दोनों को उतरवा दिया। ये देखिए उसे भी उतरवा दिया, नहीं। ये बच्चों की जो है वो भूल भुलैया है। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा झूला, राउंड वाला स्लाइड है झूला, इसके अंदर कई सारी स्लाइड्स हैं। एक आपको सामने नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रही है, और ये देखिए इधर भी है और उधर भी तीन चार स्लाइड्स हैं, तो काफ़ी अच्छा झूला है ये वाला। यहाँ पे आपको दिख रहा है NDMC का कंप्लेंट सेंटर है, किसी भी चीज़ की कोई कंप्लेंट होती है तो आप यहाँ पर आकर कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी हम आए हैं दूसरे ग्राउंड में, तो बच्चों की यहाँ पर वापसी होती हुई, सारे बच्चे जो हैं वो क्यू में हैं। ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई बच्चों की, तो ये सब वापसी जा रहे हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे झूले हैं, ये देखिए यहाँ पर
दो दो लोग चढ़े हुए हैं इसमें और फोटो खिंचवा रहे हैं। ये रोलर वाली राइड है, ये स्लाइड है, सॉरी ये रोलर पूरा नीचे से लेके ऊपर तक रोलर है। एक ही स्लाइड पे बहुत सारे बच्चे चढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है और इसी के जो सामने है वो एक फाउंटेन था यहाँ पर, मतलब है अभी तो। पहले यहाँ पर जो है वो डांसिंग फाउंटेन हुआ करता था, यहाँ पे लोग बैठते थे, मज़े लिया करते थे, यहाँ म्यूज़िक के साथ में फाउंटेन जो है वो डांस कराया जाता था उन्हें। ये देखिए फाउंटेन अभी तो बंद है, खाली है, हर तरफ आपको ग्रीनरी मिलेगी और क्योंकि दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है तो ऐसे हरे भरे एरिया में आना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये आपको छोटा सा देखिए प्लांट्स का जो है एलिफेंट्स बना हुआ नज़र आ जाएगा। ये सब लोगों की मेहनत होती है जो गार्डनर होते हैं। ये भी एक छोटा सा फाउंटेन है, अभी तो बंद कर रखा है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। फाउंटेन्स के सामने ही एक ये गार्डन है, देखिए कितना खूबसूरत है। इसे अभी मतलब बंद किया हुआ है, यहाँ पे किसी को बैठना अलाउ नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पर आते थे और बहुत सारे खाना पीना खा के और गंदगी यहीं डाल दिया करते थे, इसलिए यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आपको पानी पीने का मिल जाएगा, वॉशरूम वगैरह भी हैं, यहाँ पर चिल्ड्रंस लाइब्रेरी भी है। मैं भी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आया था, हमना मेरी गोद में सो गई हैं। तो यहाँ पर आप आएँ तो बच्चों को लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्जॉय करेंगे बच्चे। और इसकी लोकेशन भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप बोले इंडिया गेट जाना है तो इंडिया गेट के सर्कल में ही ये चिल्ड्रन पार्क है। किसी से भी पूछेंगे आप तो वो बता देगा आपको कि चिल्ड्रन पार्क कहाँ पर है और इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर बच्चों को लेकर और इन्जॉय करें। आपको खूबसूरत सा ये भी एक फाउंटेन, पहले इसमें ना यहाँ पर ऊपर से बिल्कुल यहाँ से पानी चला करता था पूरा नीचे तक, ये नीचे आता था और जब इसमें पानी चलता था तब तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता था, क्योंकि अब पानी नहीं चलाते। ये क्यों नहीं चलाते इसका रीज़न पता नहीं है और सेफ्टी पर्पज़ से यहाँ पर इन्होंने जालियाँ भी लगा रखी हैं। इसी से हम आगे यहाँ पर चलते हैं जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एंट्री गेट है। तो ये एक पहले यहाँ पर जो था वो एक्वारियम था, ये सभी में फ़िश होती थी अच्छी सी, बट अब ये ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर भी एक बेंचेस वगैरह बना रखी हैं अच्छी सी, ये देखिए राउंड में, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इसे बैठने के लिए। वो आपको जो सामने गेट दिख रहा है तो आप यहाँ से अगर आउट करते हैं, एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, तो आप सीधा इंडिया गेट के लॉन में पहुँच जाएंगे। पहुँच गए हैं, ये पूरी एक्सरसाइज मशीन वगैरह है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ जो एक्सरसाइज मशीन है वो देखिए बच्चों के लिए भी हैं, ये देखिए छोटे छोटी सी हैं जिसमें बच्चे एक्सरसाइज करा सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो मशीन्स होती हैं वो बड़ों की होती हैं, बट ये चिल्ड्रंस पार्क है तो इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए हैं। और आपको सांप सीढ़ी का गेम भी नजर आ जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए हुनैदा और मायरा यहाँ पर खेलती हुई।
शाम के बज रहे हैं 5 और अभी जो स्कूल के बच्चे हैं वो अभी भी आपको दिख रहा होगा आते हुए। और एक ये चीज़ है, डू नॉट प्लग द तार। तो फूल को, किसी भी फूल को ना तोड़ें। ये पानी है, पीने का पानी है। ये 5:15 बजे हैं और अभी भी आपको जो है वो क्राउड कम नज़र नहीं आएगा। हर झूले में आपको बच्चे मिलेंगे। तो अब हम जो है एग्जिट कर रहे हैं। गाइज़ अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। तो हमारा यह चिल्ड्रन पार्क का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से और शाम के 5:30 बजे तक है। मंडे यानी सोमवार ये बंद रहता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखकर आएँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सबका ख्याल रखें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।